यस मैम ओके तो कल वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, मसल का कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म और स्ट्रक्चर देखा था दोनों कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स के, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी, स्केलेटल मसल की फंक्शन की। तो ये क्या मेंटेन करता है, बॉडी का पोस्चर। मतलब देखो अभी जो इरेक्ट पोस्चर आपका जो हमेशा मेंटेन रहता है उसको क्या मेंटेन कौन करेगा, हमारे स्केलेटल मसल्स, है ना ना। तो हमारी बॉडी में जो भी स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड मूवमेंट्स होते हैं उनको कौन कंट्रोल करेगा, स्केलेटल मसल्स, यस मैम है ना। कैसे मूवमेंट, जैसे ब्रीदिंग हुआ, एक्सटेंडिंग द आर्म, मतलब ये मुझे आर्म एक्सटेंड करना है, कुछ टाइप करना है, लिखना है, तो इन सब के लिए मुझे कौन चाहिए, स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल्स क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं इंटरनल ऑर्गन्स, जैसे हमारे ब्रेन हो गए, और बताओ लंग्स हो गए, हार्ट हो गया, ये बहुत डेलिकेट डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं ना। अगर इसमें इंजरी, हाँ स्टमक हो गई, अगर इसमें इंजरी हो गई दैट मींस क्या होगा, पर्सन की डायरेक्टली डेथ हो जाती है। स्केलेटल मसल्स क्या करते हैं, इनको प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। और इसके ऊपर, स्केलेटल मसल्स के ऊपर भी कौन, स्केलेटल आता है, स्केलेटन जो बोनी स्ट्रक्चर होता है वो एग्जैक्ट प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है। अब ये सपोर्ट करते हैं एंट्री और एग्जिट भी। किसकी एंट्री एग्जिट, देखो सपोज जब फूड एंटर होता है, ईसोफेगस से आया, ईसोफेगस से निकलने के बाद फिर वो नीचे और चले गया, इंटेस्टाइन तक चले गया, फूड का बैकफ्लो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है कि मतलब वापस फूड ईसोफेगस में नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं, स्फिंक्टर्स लगे होते हैं, ठीक है। स्फिंक्टर्स क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे कि वापस फूड बैकफ्लो नहीं हो जाए, ठीक है। अब बात करते हैं स्मूथ मसल का स्ट्रक्चर कैसे होता है। मैंने आपको क्या बोला था, इसका शेप कैसा होता है, स्पिंडल शेप का। इसका न्यूक्लियस कितना है, ओनली वन, है ना। ऐसा कौन होता है, हमारा स्मूथ मसल, ठीक है। स्मूथ मसल के पास सार्कोमियर नहीं होते। व्हाट इज सार्कोमियर, किसकी वजह से बनता है, डार्क और लाइट बैंड्स, मतलब डार्क और लाइट बैंड्स अगर एब्सेंट है तो सार्कोमियर भी नहीं होगा। Yes, पर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन तो जरूरी है, अदरवाइज मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेगी। एक्टिन और मायोसिन तो होना ही चाहिए ना मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए। yes, ना ये प्रेजेंट तो है, होते हैं, पर कैसे होता है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो इररेगुलर होता है, ठीक है, जिसकी वजह से स्ट्रिएशन स्मूथ मसल में नहीं आते। क्लियर, अगर वाइदर बात करे तो स्मूथ मसल जो है हमारा छोटा होता है इन कंपैरिजन टू स्केलेटन मसल, ठीक है। यस मैम, तो लास्ट के 15 मिनट्स में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 10-15 जो भी हमने अभी मसल के बारे में जितना पढ़ लिया टोटल, लास्ट दो लेक्चर के हम कुछ यहाँ पर डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। उसके बाद हम अभी पहले स्टार्ट करते थे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। यस मैम, ओके मैम। अब क्या आपने देखा है आपके बायोलैब में या कभी कहीं फिगर में या मूवीज में देखा है, यस मैम, बायोलैब में है। ओके, दैट इज व्हाट ह्यूमन स्केलेटन, मतलब जो ह्यूमन का पूरा बोनी स्ट्रक्चर है दैट इज ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। मतलब जो बोन्स और कार्टिलेज हमारी बॉडी में प्रेजेंट है उससे मिलके जो सिस्टम बना है दैट इज ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। क्लियर, ओके। मतलब जो बॉडी को बेसिक फ्रेमवर्क देगा, मतलब देखो बॉडी के पास क्या होता है, दो हैंड्स है, ये जो हमारे हैंड्स है, उसके बाद पैर है, उसके बाद ये जो हमारी चेस्ट है, इन सब का प्रॉपर स्ट्रक्चर, मतलब बॉडी में ये सब चीजें एक जगह पे किसकी वजह से होती है, किसकी वजह से, हमारे स्केलेटल सिस्टम की। ये बॉडी को पूरी एक आउटलाइन देगा, ठीक है। किसका किसका बना होता है, ये बोन्स एंड कार्टिलेज। तो देखो अगर बोन्स की बात करें तो जब बेबी जैसे ही उसका बर्थ हुआ तब उसके पास कितने बोन्स होते हैं, अराउंड 300 या बोले कि 270, पर जैसे ही जैसे वो बड़ा होता जाता है तो एडल्ट ह्यूमन बीइंग में कितनी बोन्स होती है, 206। तो किस वजह से ये बोन्स का नंबर रिड्यूस हो जाता है मैम, जॉइंट्स हो जाते हैं, 370 हो जाता है। अप्रोक्सीमेटली 300 लिखा है, एग्जैक्ट फिगर की बात करें 270 या कुछ थोड़ा बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो देखो ये जो बोन्स होती है ना, किसमें, इन्फेंट्स में,
क्या होती है, जैसे ही जैसे ये इन्फेंट कैसे बनने लगता है, एडल्ट मतलब जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसकी जो बोन्स है ना वो फ्यूज हो जाएगी। मतलब ऐसी छोटी 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 बहुत सारी बोन्स थी, तो इसने इसके साथ जुड़ गई, ये इसके साथ जुड़ गई और इसने एक लंबी बोन बना ली। तो जो स्मॉलर बोन्स है वो क्या होती है, बेबी में छोटी छोटी बोन्स होती है, जैसे जैसे वो एडल्ट ह्यूमन बींग बनता है ये जो छोटी छोटी बोन्स है सब मिल जाएगी और एक बोन बना लेगी। इसीलिए ये जो नंबर हो जाता है 206 हो जाता है ह्यूमन एडल्ट में। क्लियर हुआ? यस मैम। मैम यही कारण है कि उनके हाथ में लचीले होते हैं। क्या बोल रहे हो? मैम यही कारण है कि उनके हाथ पर लचीले होते हैं। हाँ, उसकी जो बोन्स होती है ना वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, जैसे जैसे ये फ्यूजन होगा कैल्शियम का डिपोजिशन होगा तो बोन स्ट्रांग हो जाएगी। इसीलिए बेबी होता है वो बहुत नाजुक सा होता है, क्यों, क्योंकि अभी उसका डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है, उसकी जो बोन्स है वो स्ट्रांग नहीं हुई है, छोटी छोटी बोन्स है, अंदर के स्ट्रक्चर अच्छे से प्रोटेक्टेड नहीं है। ये बोन्स जब फ्यूज होकर एक अच्छा स्ट्रक्चर बना लेगी तो अंदर के जो ऑर्गन है उनको प्रोटेक्ट भी अच्छे से करेगी, है ना। यस मैम। ओके, अब बात करते हैं कि ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या आता है। सबसे पहले बात करें तो ये हमारा जो पार्ट है वो क्या है, स्कल, ठीक है, जो हमारा हेड वगैरह पार्ट है दैट इज स्कल। तो स्कल में आता है क्रीनियम जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद यहाँ पर जो हमारे फेस में जितनी सारी बोन्स है वो भी कहाँ जाएगी, स्कल बोन्स में। और ये जो जॉ बोन है, मैंडिबल मैक्सिला पैलेटाइन, मतलब जो हमारे माउथ की जो सारी बोन्स है वो सब भी किसमें आ गई, हमारे स्कल वाले पार्ट में। क्लियर? यस मैम। बाद जो हमारा पीछे बैक बोन होता है दैट इज आर वर्टिकल कॉलम, तो वर्टिकल कॉलम की बोन्स आएगी। और अगर चेस्ट में बात करें तो चेस्ट में क्या होगा, हमारे रिब्स, स्टर्नम, एक सेंटर बोन होती है दैट इज स्टर्नम, ठीक है मैम। यस मैम, कोई GDX सोलो गेमिंग है ना, वो बार बार आंटी आंटी और आंटी जी ऐसे कर रहा है। इग्नोर दैट पर्सन, हमको किसी से क्या मतलब है, उसको जो बोलना है बोल दो। अगर मैं चैट बॉक्स बंद कर दूंगी तो बाकी लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो प्लीज इग्नोर देम, जो इग्नोर जिसको जो करना है करे, पढ़ने से मतलब जिसको है वो पढ़ाई अच्छे से करो, ठीक है। ओके मैम। ओके, तो हमने स्कल की बात कर ली। स्कल में कौन कौन सी आ गई, हमारी फेशियल बोन्स, हमारी ब्रेन वाली बोन्स, ठीक है, और जो हमारे जॉ में प्रेजेंट है। उसके बाद हमने किसकी बात करी, कि जो हमारी बैकबोन है दैट इज आवर वर्टिबल कॉलम, उसकी बोन्स की हम बात करेंगे, वन बाय वन सारा डिस्कस करेंगे। फिर ये जो हमारे शोल्डर बोन्स है, देखो पीछे फील करो, एक ट्रायंगुलर बोन प्रेजेंट होती है दैट इज स्कैपुला। स्कैपुला की बात करें, जो हमारे चेस्ट में ऊपर से प्रोमिनेंट से दिख रही है, ये कौन है, क्लैविकल, ठीक है। यस मैम। कौन ये जो ऊपर हमारी, इसको ब्यूटी बोन्स भी बोलते हैं, एकदम देखो नेक वाले रीजन में यहाँ पर हमको आपको फील होगी, yes, क्लाविकल से नीचे आई, रिब्केज बन गया। उसके बाद क्या होता है, हैंड्स में बात करेंगे, तो जो हमारे हाथ है ये कौन है, अपर लिम्स, इनकी बोन डिस्कस करेंगे। और जो हमारे पैर है दैट इज लोअर लिम्स, इसके बोन को वन बाय डिस्कस करेंगे। अब ये जो हमारा एक्सिस वाला पार्ट है, इट इज अटैच टू आर हैंड्स, है ना, हैंड्स और पैर अटैच है, तो यहाँ पर क्या होते हैं, गर्डल्स। फिर हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को बोलते हैं पेक्टोरल गर्डर, और जो नीचे हमारे पैर जहाँ पे जॉइंट कर रहे हैं दैट इज पेल्विस गर्डर। इसमें भी कौन कौन सी बोन्स है ये सारा हम डिस्कस करेंगे। ऑल दिस टुगेदर फॉर्म्स द बोनी स्ट्रक्चर दैट इज स्केलेटल सिस्टम ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी। क्लियर हुआ? यस ओके okay. देखो फंक्शनल क्या क्या होंगे इनके फंक्शन स्केलेटल सिस्टम के, ये सपोर्ट करेगा क्योंकि एक फ्रेमवर्क बनाता है। जो सॉफ्ट ऑर्गन्स, बताओ सॉफ्ट ऑर्गन कौन से होते हैं, किडनी हुआ, लंग्स हुए, इन सबको प्रोटेक्ट कौन करेगा, मतलब क्या हुआ, ठीक है। सपोज एक सॉफ्ट ऑर्गन है, इसके ऊपर मैंने कवरिंग बना दी, तो अगर किसी को चोट कहीं लगेगी तो पहले इस कवरिंग पे लगेगी ना, तो दैट मीन्स ये जो अंदर वाला ऑर्गन है ये तो प्रोटेक्टेड रहेगा। किसने प्रोटेक्ट करा, इस बोनी स्ट्रक्चर में, दैट इज आवर स्केलेटल सिस्टम। क्लियर? यस मैम। अब ये जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है ये कौन है, हमारे नर्वस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर ये मूवमेंट के लिए हेल्पफुल करेगा क्योंकि मसल्स, स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट है, तो ये बोन्स को एक हैंडल बनाएगा और हैंडल की जैसे क्या करेगी, हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होगी। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट तो यहाँ पर कैल्शियम आयन्स, मिनरल्स और लिपिड्स सब क्या होते हैं, हमारे बोन्स में स्टोर होते हैं, ठीक है। ओके लास्ट यस मैम, एंकर मतलब क्या होता है, क्या किसका मतलब, सॉफ्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, मुझे आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। सॉफ्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, एंकर्स का मतलब है, एंकर्स का मतलब है सपोर्ट प्रोवाइड करना,
ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करेगा, सपोर्ट देगा, ठीक है, उस क्योंकि वो अपनी प्लेस से क्या हो जाए, डिसलोकेट ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद देखो हमारे स्टोरेज भी हो गया। अब देखो जो हमारी बोन मेरो होती है, बताओ व्हाट इज बोन मेरो? मैम ब्लड के सेंटर वाले पास, जो लॉन्ग बोन्स होती है ना उसके अंदर एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसको बोलते हैं बोन मेरो। और बोन मेरम में कौन बनते हैं? हमारे ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स कौन कौन से? स्पेशल सेल होते हैं। कौन से स्पेशल सेल होते हैं जो प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करेंगे, बताओ? नहीं, स्टेम सेल्स तो सारे ब्लड के सेल, पता होगा, जो प्लेटलेट्स को बनाता है। मेगा कैरियोसाइट्स, याद आया? यस मैम। तो ये जो बोन मेरो है ये ब्लड सेल्स को फॉर्म करते हैं, इसलिए भी काफी इम्पोर्टेंट हुए ना स्केलेटन सिस्टम। मेगा कैरियोसाइट्स इज द सेल दैट इज प्रेजेंट इन बोन मेरो व्हिच लीड्स द फॉर्मेशन या फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स दैट इज थ्रोम्बोसाइट्स। क्लियर? यस मैम। ओके, तो देखो हमारे स्केलेटन सिस्टम में दो चीजें होती, कौन कौन सी? एक तो होगी बोन्स और दूसरा कार्टिलेज। अच्छा कार्टिलेज तो आप जानते, सॉरी बोन्स तो आप जानते हो, जो हमको फील हो रहा है दैट इज बोन्स, है ना, एकदम हार्ड टिश्यू जो है दैट इज बोन। यहाँ पर बहुत सारा कैल्शियम आयन्स का डिपोजिशन है और एक विटामिन भी होता है, जल्दी बताओ कौन सा विटामिन है? यस, विटामिन डी या D3 इसमें प्रेजेंट होता है जो इसको बहुत हार्ड टिश्यू बना देते हैं। अब बात करें कार्टिलेज की, तो ये क्या होते हैं? सॉफ्ट टिश्यू, ठीक है, कार्टिलेज के ये सॉफ्ट टिश्यू होते हैं। तो देखो हमारी जो लॉन्ग ऐसी बोन्स होती है, तो क्या बोन्स बोन्स से जॉइंट होती है, कनेक्शन होता है दोनों पॉइंट बोन्स के बीच में? यस मैम। ठीक है, आप देखो, ओके विवेक, नो प्रॉब्लम। तो देखो जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती है उसके बीच में क्या होता है, एक सॉफ्ट टिश्यू होता है जो मूवमेंट के लिए थोड़ा सा हमको क्या कर देगा, बोन्स को फ्लेक्सिबल बनाएगा। इसी सॉफ्ट टिश्यू का नाम क्या है? कार्टिलेज। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. क्या है ये हमारी बोन्स? और बोन्स और बोन्स के बीच में दो लंबी लंबी, जैसे आपकी हैंड देखो, ये हैंड की इतनी लंबी बोन है जो ऊपर वाली ह्यूमरस, फिर ये रेडियस अल्ना, तो यहाँ पर ये नी में कोई कनेक्शन, सॉरी एल्बो में कोई कनेक्शन हुआ, तो यहाँ पर क्या है हमारी कार्टिलेज प्रेजेंट है जो फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है बोन को। तो ब्लैक बोन्स को क्या चाहिए? फ्लेक्सिबिलिटी। वो कौन देगा? कार्टिलेज फ्लेक्सिबल बनाएगा बोन्स को। क्लियर? किसके प्रेजेंट पे होगा? बोन और बोन के बीच में, ठीक है। क्या बोल रहे हो मैम? क्या ये हर जॉइंट्स में प्रेजेंट रहती है? हर बोन में नहीं प्रेजेंट का, जब हमारी दो लंबी लंबी बोन्स जुड़ेंगी तो उनके बीच में कार्टिलेज होता है। और हमने कार्टिलेज देखो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम जब हमने पढ़ा था तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी बहुत सारे कार्टिलेजेस के नाम थे, किसी ने ट्रैकिया को कवर करा था, याद आ रहा है? लैरिंग्स पे थे हमारे, है ना? यस मैम। प्रेजेंट होते हैं और बोन्स और बोन्स के लिए लंबी लंबी बोन है, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी कौन देगा? हमारा कार्टिलेज। क्लियर हुआ? यस मैम। सबको? यस मैम। यस मैम। कार्टिलेज सॉफ्ट टिश्यू के होते हैं, जैसे बोन्स किससे बनी है? हमारी कैल्शियम और विटामिन सी से। ये बनती है कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट से, है ना, एक सब्सटेंस है जिसका नाम है कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट। और अगर सॉल्ट की भी बात करें तो ये क्या होती है? कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। ओके, जो बोन्स होती है वो हमारी होती है वेस्कुलर। बताओ वेस्कुलर का मीनिंग क्या होता है? जालम फर्म। ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हो ना, बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, बोलेंगे इसको वेस्कुलर। और ये जो कार्टिलेज होता है ये कैसा होता है? ए वेस्कुलर, ठीक है। ओके मैम। मैम ये कॉन्ड्रोइटिन बताना, कॉन्ड्रोइटिन एक ऐसा सॉल्ट या सब्सटेंस है, जैसे बहुत सारे सॉल्ट होते हैं ना, जैसे कि NaCl हुआ, कैल्शियम सल्फेट हुआ, तो ये सब क्या होते हैं? अलग अलग टाइप के सॉल्ट। तो ये जो कार्टिलेज बना होता है वो किससे बनाता है? एक सॉल्ट से, और उस सॉल्ट का नाम है कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट। और अगर स्पेसिफिकली बात करें तो दैट इज कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, ठीक है। यस मैम। ओके, तो जो कार्टिलेज है अवेस्कुलर, मतलब नो ब्लड वेसल्स। क्लियर हो गया? Yes, ma'am. आगे बढ़े। लेबल मैट्रिक्स क्या है? क्या
पिलेबल मैट्रिक्स मतलब सॉफ्ट टिश्यू बनाना, हार्ड मैट्रिक्स हुआ मतलब वहां पर बहुत ज्यादा हार्डनेस है, अगर सॉफ्ट है तो दैट इज पिलेबल मैट्रिक्स, प्लायबल मैट्रिक्स, ठीक है? ओके मैम. ओके, तो देखो जो ह्यूमन स्केलेटल है फ्रंट में भी कुछ बोन्स होगी तो फ्रंट से कुछ ऐसा दिखेगा, और जो हमारी बैक में बोन्स होगी उसको हम ऐसे स्टडी करेंगे. आगे बढ़े. यस मैम. यस मैम. ठीक है, तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा है, एक है एक्सियल और एक है अपेंडिकुलर. इतनी बात में कोई प्रॉब्लम है? नो मैम. नो मैम. जो हमारे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में आई है, देखो अपने हेड से आओ, हेड से नीचे नीचे देखो स्टमक के बाद जो हो, मतलब पैरों पे मत जाओ, स्टमक पे वो एक्सिस खत्म हो गई ना, स्टमक हेड से लेके जो हमारे सेंट्रल पार्ट में आ रही है, चेस्ट वाले पार्ट में जितनी बोन्स आ रही है वो सिर्फ किसके पार्ट होगी? एक्सियल स्केलेटन की. ठीक है? यस मैम. रिब्स तक. क्या बोल रहे हो मैम? बस रिब्स तक. हाँ, रिब्स के बीच में, मतलब जो हमारी भी चेस्ट कैविटी है, एब्डोमेन है, इसमें जितनी बोन्स आ रही है, और हमारे स्कल में ये हैंड्स को छोड़ देना है और लेग्स को छोड़ देना है, तो जितनी बोन्स बच रही है एक एक्सिस में आ रही है, दैट इज एक्सियल स्केलेटन. ठीक है? यस मैम. यस. आपको ये फिगर दिख रहा है? इस वाले फिगर में देखो, ये जो ये बोन्स आपको इस पार्ट में दिख रही है वो सब किस में आएगी? एक्सियल स्केलेटन में. मैम सर वाली भी. कौन सी वाली? ये ब्लू 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 वाली दिख रहा है आपको? ब्लू ब्लू रीजन दिख रहा है इस स्केलेटन में? यस मैम. हेड भी तो है. मतलब वही तो बोला मैंने, अपने हेड से स्टार्ट करो, स्टमक एब्डोमेन तक मूव करो, तो जितनी बोन्स आ जाएगी इस एक्सिस में, दैट वुड बी योर एक्सियल स्केलेटन. अब बात करें अपेंडिकुलर स्केलेटन की, तो जो आपके हाथ है और आपके पैर है वो किस में आ जाएंगे? अपेंडिकुलर में. कोई प्रॉब्लम? नो मैम. नो मैम. तो सबसे पहले हमारा कौन आ जाएगा? स्कल आ जाएगा. स्कल के बाद कौन आएगा? स्कल में कौन कौन सी आ जाएगी? हमारी ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाली क्रैनियल जिसको बोलेंगे, और उसके बाद हमारी आएगी जो फेस में जितती है. क्या फेस में आपकी ईयर्स भी है? यस मैम. ईयर वाली भी आ गई. अब बचे स्टर्नम. स्टर्नम कौन सी है? हमारी ये जो रिब्स और स्टर्नम कहाँ प्रेजेंट है? चेस्ट में. क्लियर इतनी बार? यस मैम. ठीक है. अब अपेंडिकुलर की बात करें तो फोर लिम्स कौन से होते हैं हमारे? हाथ या पैर? मैम हाथ. है ना? हाइंड लिम्स कौन से होते हैं हमारे? मैम पैर. पैर. तो जो हमारे हैंड्स और लेग्स के बोन्स है वो आ गई हमारी किसके? अपेंडिकुलर. अब यहाँ पर दो गर्डल्स आती है, पेल्विक गर्डल एंड पेक्टोरल गर्डल. इसमें भी कुछ बोन्स प्रेजेंट होगी, तो जो हमारा एक्सिस से अपेंडिकुलर को जॉइन करवाएगा जो पार्ट, जैसे कि ये मेरा हाथ है, यहाँ से ये जुड़ रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ पर भी कोई बोन्स होगी जो इसको जोड़ने में मदद कर रही होगी, वहीं से तो यार होगा. तो ये जो हाथ वाला पार्ट है दोनों साइड, दैट इज पेक्टोरल गर्डल. सिमिलरली जो आपके पैर जहां से अटैच हो रही है, दैट इज पेल्विक गर्डल. ठीक है? यस मैम. यस मैम. बात करते हैं एक्सियल स्केलेटन की. आपका पूरा हेड ले लो, हेड में जितनी जितनी बोन्स हो जाए उसको हम पढ़ेंगे पहला वाला. कहां पर? एक्सियल में. अभी सिर्फ हम इतनी बात कर रहे हैं. ठीक है? यस मैम. यस मैम. तो इसमें कौन आ जाएगी? स्कल बोन्स. स्कल बोन्स किसको प्रोटेक्ट करेगी? हेड को. ब्रेन प्रोटेक्ट करेगी. है ना? मतलब ब्रेन की कवरिंग बनाएगी. यस मैम. ना वो होगा हमें हमारी स्कल बोन्स. स्कल बोन्स को टोटल कितनी होती है? 22 इन नंबर्स. ठीक है? यस मैम. ठीक. अब बात करते हैं हायोइड बोन की. हायोइड बोन कहाँ प्रेजेंट होती है? कौन बताएगा? नेक में. जो गला होता है वहां तक. जो हमारा लैरिंग्स होता है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम में अपने पढ़ा है लैरिंग्स. तो जो लैरिंग्स के ऊपर प्रेजेंट होती है, द बोन व्हिच इज प्रेजेंट अबव लैरिंग्स इज नोन एज हायोइड बोन. ठीक है? नेसल फैरिंग्स. क्या बोल रहे हो? नेसल फैरिंग्स. नेसल फैरिंग्स नहीं, लैरिंग्स. देखो पहले क्या आता है हमारा? नॉस्ट्रिल, नेसल वाला पार्ट, उसके बाद आता है फैरिंग्स, फिर लैरिंग्स. जो थर्ड वाला पार्ट है दैट इज लैरिंग्स, जहां पर वोकल गॉड्स प्रेजेंट है, जहां से आवाज ये आ रही है. ठीक है? दैट इज लैरिंग्स. तो उसके ऊपर एक बोन प्रेजेंट होती है, दैट इज हायोइड. अब बात करें हम किसकी? ईयर ओसाइकल की. मतलब हमारे ईयर में कौन कौन सी बोन प्रेजेंट है उसको हम पढ़ेंगे ईयर ओसाइकल में. ऑब्वियसली वो भी तो हेड ही पार्ट है ना. बताओ ईयर बोन्स कौन कौन सी होती है? इनकस, टैपिस मेलियस. है ना?
मेलियस, इनकस और स्टेपिस, तीन हमारे ईयर ऑफ साइकिल है जिसको हम बोलेंगे मिस, मेलियस, इनकस, स्टेपिस। तो ये जो तीन बोन हो गई, एक कान में तीन, दूसरे कान में तीन, तो ये हो गई टोटल कितनी, छह। उसके बाद हायोइड सिर्फ एक ही ऊपर प्रेजेंट है, और इस स्कल बोन में कौन कौन सी आ जाएगी हमारी, एक तो आ जाएगी क्रेनियल और एक आ जाएगी फेशियल, मतलब जितने फेस में प्रेजेंट है और जितने ब्रेन को कवर कर रहे हैं वो सारी कहाँ गई, स्कल बोन। ठीक है, यस मैम। अब बात करते हैं क्रेनियल बोन्स की। क्रेनियल बोन्स किन को प्रोटेक्ट करेगी, बताओ किसको प्रोटेक्ट करेगी, ब्रेन को। ब्रेन को, तो क्या होगा, ये हेड वाले रीजन में प्रेजेंट होगी। इसको समझते हैं कि कौन कौन सी बोन दी थी। अपना ये जो फ्रंट हेड का जो फ्रंट पार्ट है इसको फील करो, क्या यहाँ पर एक बोन फील हो रही है। ये कौन सी हमारी, ये कौन सी बोन है, फ्रंट। ठीक है, अब अपने कान के पास जाओ, यहाँ पर कोई बोन्स मतलब कान के पास में या पीछे साइड कोई बोन प्रेजेंट दिख रही है क्या। एक साइड पे एक बोन, दूसरे साइड पे दूसरे बोन, ये कौन सी हमारी, टेम्पोरल। ठीक है, अब ये जो हेड के ऊपर प्रेजेंट है मतलब सिर पे डायरेक्टली से दे, यहाँ पर दो बोन प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं पेराइटल, पेराइटल बोन। फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, इतनी बात क्लियर है। यस मैम। ठीक है, अब पीछे, तो पीछे कौन आ जाएगा, एक बहुत बड़ा सा दिख रहा है पीछे, ये कौन है, ऑसिपिटल। क्लियर हुआ, ऑसिपिटल बोन, ऑसिपिटल। अब जो नाक से ब्रेन को कनेक्ट करने वाली है दैट इज इथमॉइड बोन। ऑसिपिटल कौन सी है, ऑसिपिटल ये सबसे पीछे, ये जो ऑसिपिटल है इसके पास वर्टिकल कॉलम स्टार्ट हो जाएगा, तो ब्रेन का ये जो स्कल का सबसे पीछे वाला दिख रहा है ये वाला पार्ट, यहाँ पर जो बोन प्रेजेंट है ऑसिपिटल। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो फेस में आओ, तो फेस में आपको यहाँ पर नाक में कुछ फील हो रहा है, यहाँ पर कुछ बोनी बोनी स्ट्रक्चर है। Yes, this is nasal bone. अब बात करते हैं हमारे cheek bones की। आपको फील हो रही है cheeks में कुछ bones? Zygomatic. अब देखो आपकी आंखों के पास जहाँ पर tear glands होते हैं, यहाँ पर भी कोई bone को मिल रही है क्या? That is lacrimal. मिल रही है? Yes, ma'am. Lacrimal. अब देखो tongue को ऊपर वाले side पे touch करो, कुछ feel हो रहा है? Hard hard structure. Yes, ma'am. That are palatine bones. ठीक है, अब मैंडिबल की बात करें तो देखो ये जो आपका लोअर जॉ है उसको हम क्या बोलते हैं, मैंडिबल। ठीक है, थोड़ा मैम इससे पहले वाली बोन का नाम बताना। किसकी पहले वाली का, मैम आपने कहा था वो अपनी टंग को अपने पैलेटाइन ऊपर फील करो, पैलेटाइन। तो देखो जो आपका फ्रंट में इस स्ट्रक्चर में आपको और समझ में आएगा, एकदम फ्रंट में कौन प्रेजेंट है हमारा, फ्रंटल, फ्रंटल। फिर यहाँ पर कौन से आए, पेराइटल। सर के ऊपर दो बोन बैठे, दैट इज पेराइटल। अब देखो कान के पास जाओ, ये है हमारे ईयर्स, ईयर के पास वाले कौन से बोन्स है, टेम्पोरल। लास्ट बचा कौन है हमारा यहाँ पर, ऑसिपिटल। अब इसके पास क्या होते हैं, नीचे जो होते हैं ऑसिपिटल कॉन्टाइल्स। तो जो हमारा वर्टिबल कॉलम है वो कनेक्ट करेगा किसे, जो आपका बैकबोन है वो हेड से कनेक्ट करेगा ऑब्वियसली, तभी तो एक स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क बनेगा, राइट। यस मैम। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो ऑसिपिटल बोन है जहाँ पर दो राउंड राउंड ऐसे स्ट्रक्चर बना देगी जो वर्टिबल कॉलम से अटैच है, तो ये जो राउंड वाला जो राउंड बम्पी पार्ट है दैट इज ऑसिपिटल कॉन्टाइल। क्लियर। ठीक है, लैक्राइमल बोन कौन सी हुई हमारी मैम, ये जो आंखों के ईयर का एंड वाली, नाक। ओके, नाक से ब्रेन को कौन कनेक्ट करेगा, स्पिनोइड। ब्रेन कनेक्ट करने वाला स्पिनोइड। नाक की बोन कौन सी है हमारी, नेजल बोन्स। ठीक है, जाइगोमैटिक कौन सी, जल्दी बताओ। चिक्स की, ये जो मैम ये जो चिक्स वाली बोन होती है, चिक बोन्स को हम क्या बोलेंगे, साइगोमेटिक, साइगोमेटिक। ओके, अब जो हमारा जॉ होता है मतलब हमारा जो मुंह होता है, ऊपर वाला पार्ट होता है एक नीचे वाला पार्ट होता है, तो ऊपर वाले को हम बोलेंगे मैक्सिला और नीचे वाले को बोलेंगे मैंडिबल। ठीक है, यस मैम। ठीक है, अब लैरिंग्स के ऊपर कौन प्रेजेंट थी, हायोइड बोन, हायोइड बोन। ठीक है, और स्पिनोइड बोन कहाँ प्रेजेंट है हमारे, देखो यहाँ पर फ्रंटल और टेम्पोरल के बीच में। ठीक है,
अब क्वेश्चन कहाँ से आएगा, ये सारी बोन्स आपको याद रखना है, फ्रंटल, पेटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल। ट्रिक नहीं है क्या, लर्न करने की कोई ट्रिक नहीं है? हाँ एक है ट्रिक मेरे पास, पर वो सिर्फ ये जो क्रेनियल वाली है उसकी ट्रिक है, बाकी कल वाली क्लास में आपको फेसियल या वाला कुछ ऐसा ढूंढ के लाती हूँ, उसकी ट्रिक्स भी बताऊंगी, ठीक है? हाँ स्फेनॉइड और एथिमॉइड बता दीजिए। एथिमॉइड वाली बता देते हैं, जो नाक से ब्रेन की तरफ कनेक्ट करने वाली है वो कौन सी है हमारी, एथिमॉइड बोन, ठीक है? यस मैम। और स्फेनॉइड स्फेनॉइड देखो कहाँ दिख रहा है आपको, लोकेशन दिख रहा है, देखो इस लोकेशन में ये फ्रंटल दिख रहा है, ये टेम्पोरल दिख रहा है, बीच में ये व्हाइट कलर का बोन कौन है, स्फेनॉइड, ठीक है? क्लियर हुआ? यस कंफ्यूजन की बात करें तो देखो पहले मैं बोल लेती हूँ फिर आप बोलना, ठीक है? फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, ये चारों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद करें मैंडिबल और हाइवेड बोन, क्वेश्चन यहाँ से भी आएगा, जाइगोमेट्रिक वाला आपसे पूछ सकते हैं, चिक बोन्स वाला। उसके बाद ये इथमॉइड, स्फेनॉइड, ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? लैक्राइमल का थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंस है टीयर ग्लैंड से अगर सपोज क्वेश्चन आया तो, ठीक है? यस मैम। ओके मैम, हाँ मैम, लैक्रिमल बोन क्या था? देखो आपके आंखों के पास जहाँ पर टीयर्स जैसे आंसू आते हैं, टीयर ग्लैंड्स लोकेटेड होते हैं, यहाँ पर कोई बोन प्रिंट है क्या? यस मैम, दैट इज लैक्रिमल। अब देखो क्रेनियल की मेरे पास ये ट्रिक है कि एस ओ एफ ई सोफे, पी से आएगा पर, टीवी, ठीक है? ये ट्रिक याद हो जाएगी, सोफे पर टीवी। यस मैम। अब मुझे बताओ सोफा जनरली घर में एक ही होता है? यस मैम, है ना? पर एक सोफे पे, एक सोफे पे टीवी एक से ज्यादा आ सकते हैं। यस मैम, है ना? तो ये बोन से नंबर हो गए। अब एस से कौन सा आएगा आपका, स्फेनॉइड, ओ से कौन सा आएगा बताओ, ऑसिपिटल, ऑसिपिटल, फ्रंटल, 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 ई से एथमॉइड, पेरिएंटल, पेराइटल, एंड टी से टेम्पोरल। के नंबर कितने होंगे, टू टू ईच, है ना? यस मैम। और बाकी जो सोफा बचा दैट इज स्फेनॉइड, ऑसिपिटल, फ्रंटल एंड एथमॉइड, इनका नंबर कितना होगा, इनका नंबर कितना होगा, वन। यस मैम। क्लियर हुआ गाइस? यस मैम। यस मैम। अब देखो ये मैंडिबल है वो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? देखो अगर आप मैंडिबल को मूव नहीं करोगे तो क्या आप खाना चबा पाओगे या बोल पाओगे? तो मैंडिबल, ठीक है? तो मैंडिबल इज द ओनली बोन दैट इज मूवेबल इन दिस पूरी स्कल, मतलब इस स्कल में देखो क्या आपके जो सर वाली बोन से आप इसको मूव कर सकते हो? नो मैम। नोज वाली को कर सकते हो, आपकी वाली को कर रहे हो, वाली को नहीं, पर क्या आप ये आपका जो लोअर जो है इसको कर सकते हो? यस मैम। दैट इज ओनली मूवेबल जो बोन है हमारे पूरे मतलब इसके स्कल की वो कौन है, ओनली मूवेबल बोन, ठीक है, इन दी स्कल। क्लियर मैम? हाँ, जो इथमॉइड है वो नेजल कैविटी के सुपीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है। हाँ मतलब ये जो नाक वाली ऊपर से नाक से ब्रेन जो ले जाने वाला बोन है, मतलब नाक और ब्रेन को जो कनेक्ट करने वाला बोन है, दैट इज इथमॉइड, ठीक है? ओके ओके। अब अगर करें हाइड, तो हाइड इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये अकेली एक ऐसी बोन है जो दूसरी बोन से अटैच नहीं होते। देखो फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, हर किसी के बीच में कनेक्शन है, हर किसी के बीच में कनेक्शन है। यस मैम। और ये हाइड बोन किसी और से कनेक्ट हो रहा था क्या? नो मैम, नो मैम। तो ये जो हाइड बोन है वो टंग से कनेक्ट करेगा क्या? टंग एक बोन है? नो मैम, नहीं मैम। हाइड इज द ओनली बोन जो अकेला रहता है, किसी और से ज्वाइन नहीं करेगा, ठीक है? तो आपको अगर क्वेश्चन आया कि विच इज द ओनली बोन दैट इज नॉट कनेक्टेड टू एनी अदर बोन, हाइड, ठीक है? क्लियर होगा? यस मैम। ओके, तो हाइओइड और मैंडिबल क्यों इम्पोर्टेंट है याद रखोगे? यस मैम। ठीक है, दैट इज नॉट अटैच्ड टू एनी अदर बोन, किससे अटैच होती है? टंग से, मसल, टोटल टंग से, है ना? टंग से मैम। ओके, इट इज अटैच्ड टू टंग। क्लियर हो गया? यस मैम। आगे बढ़े, स्कल बोन्स थोड़े थोड़े समझ में आए? यस मैम।
यस मैम यस मैम ईयर वाले को बात कर लेते हैं, हायोइड की हम बात कर चुके हैं, ये कितना होगा एक नंबर में। देखो ये आपको हायोइड बॉन्ड इस फिगर में इनलार्ज करके बताया है, लैरिंग्स के ऊपर बैठा हुआ है। यहाँ ये किससे कनेक्ट हो जाएगा, टंग से। ये कैसा होता है, यू शेप का टंग जो कहाँ होता है, बकल कैविटी, मतलब बकल कैविटी जो हमारा मुंह वाला जो पार्ट है उसके नीचे और लैरिंग्स के ऊपर। ठीक है, ओके ठीक है। अब ईयर ऑफ साइकिल की बात करें तो ईयर में कौन कौन सी बोन्स प्रेजेंट है, मेडियस, इनकस, एक इसमें मिस, इसको हम याद करेंगे मिस से, एक कान में एक मिस होगी और दूसरे कान में दूसरी मिस होगी। ठीक है, ओके मैम, ओके। आप देखो यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ से आता है, इनके शेप्स से, जो हमारी मेलिस इनकस टेपिस है ना, इन तीनों के अलग अलग शेप्स होते हैं। तो हम जानते हैं कौन कौन से शेप होते हैं। मेलियस होता है किसका, हैमर शेप का। किस शेप का होगा ये, हैमर, हथौड़ा देखा है, यस मैम, यस मैम। इनकस होता है एनविल शेप का, एनविल शेप जानते हो कैसा होता है, ठीक है, कुछ ऐसा होता है ये शेप, ऐसा करके उसको बोलते हैं एनविल शेप। ठीक है, ओके, यस मैम। अब लास्ट आता है स्टेपिस, ये होता है स्टिरप शेप, हथकड़ी देखिए मूवीज वगैरह में कहीं, यस मैम देखिए, थोड़ा ऐसा होता है, यस मैम, वही शेप कौन सा हुआ हमारा, स्टेपिस का। तो इसको कैसे याद करेंगे, मिस हैज, एच ए एस बन रहा है यहाँ पे, यस मैम, हैज याद हो जाएगा, यस मैम। हैमर शेप कैसा होता है, क्या हैमर, हथौड़ा देखा है, मैं कैसे बनाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, हथौड़ा बनाना, ऐसा कुछ आपने देखा है डिवाइस जो आई थिंक शायद पॉपुलर वगैरह या कोई ऐसा, जब हम नहीं बन रहा होता है तो उससे जो कील ठोकते हैं ना जिससे, उसको बोलते हैं हैमर। ठीक है, यस मैम, ओके, क्लियर हो गया, आगे बढ़े, यस मैम। ठीक है, अब जो ऑसिपिटल कॉन्डाइल थे, व्हाट आर कॉन्डाइल्स, बताओ क्या होते हैं कॉन्डाइल मैम, जो ऑसिपिटल, मैम जो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ने वाले होते हैं, मतलब जो जगह प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स क्या होते हैं, बेसिकली कॉन्डाइल अगर किसी भी बोन है उसका जो एंड पार्ट है वो राउंड हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्डाइल। ठीक है, यस मैम, ठीक है, राउंड बम पार्ट ऑफ ऑन ए एंड ऑफ अ बोन दैट इज मेंट फॉर अटैचमेंट ऑफ एनी अदर बोन। ठीक है, ओके, यस मैम। अब बताओ स्कल के बाद पीछे से कौन कनेक्ट होता है स्कल से, वर्टिब्रल कॉलम है ना, तो क्या वर्टिब्रल कॉलम को कनेक्ट करने के लिए, वॉइस ब्रेक हो रही है क्या गाइस, नो मैम, नो मैम। अच्छा साधना प्लीज अपना नेटवर्क चेक करो, ओके। तो जो दूसरे बोन्स को अटैच होने के लिए जो जगह देगी उसको हम बोलेंगे कॉन्डाइल। तो जो हमारा हेड होता है उसमें दो कॉन्डाइल प्रेजेंट होते हैं, तो क्या हम इसको बाइकॉन्डाइलिक या डाइकॉन्डाइलिक बोल सकते हैं, बाई का मतलब क्या, डाई का मतलब कितना होता है दो, और दो कॉन्डाइल तो क्या हमारी स्कल को हम डाइकॉन्डाइलिक स्कल बोल सकते हैं। अब जो रेप्टाइल्स होते हैं ना उनके स्कल कैसी होती है, मोनोकॉन्डाइलिक, बताओ व्हाट इज मोनोकॉन्डाइलिक, एक ही, मतलब जो हमारा स्नेक या रेप्टाइल्स हुए उनके पीछे क्या होगा, एक ही जगह जिससे उनका जो वर्टिब्रल कॉलम है वो वाला जुड़ जाए। ठीक है, ह्यूमन की कैसी होगी, डाइकॉन्डाइलिक, कभी भूलोगे तो नहीं, नो मैम। ठीक है, तो ये कॉन्डाइल किससे कनेक्ट करवाएंगे, वर्टिब्रल कॉलम से या वर्टिब्रा से। ठीक है, आर्टिकुलेट्स क्या है, क्या आवाज आपका, आर्टिकुलेट्स, आर्टिकुलेट्स मतलब जोड़ना, मतलब एक पार्ट है इसके साथ मैं इसको जोड़ रही हूँ, मतलब ये इसके साथ क्या कर रहा है, आर्टिकुलेट कर रहा है। ठीक है, यस मैम, बड़े आगे, यस मैम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, तो पता है जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है ना उसके सबसे ऊपर वाली जो बोन है वो कौन सी होती है, एटलस और एक्सिस। यहाँ पर आपको एटलस दिख रहा है, यस मैम, ठीक है, तो ये क्या होती है, एटलस और एक्सिस जो होती है हमारी वर्टिब्रल कॉलम की सबसे ऊपर वाली बोन्स होती है। तो जो वर्टिब्रल कॉलम है ना उसमें भी हमको पांच टाइप की बोन में डिवाइड करा है, तो जो एटलस और एक्सिस होता है ना वो किसका पार्ट होता है, सर्वाइकल वर्टिब्रा का। ठीक है, यस मैम, मतलब वर्टिब्रा वाला पॉइंट,
फिर से बता रही हूँ, जो वर्टिब्रा की बोन्स है उसको भी हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड करा है, सर्वाइकल, लंबर और इसके अलावा और भी पार्ट है. तो ये जो पार्ट है उसमें जो सबसे ऊपर पार्ट आता है दैट इज सर्वाइकल. तो ये देखो, ये जो एटलस हुआ और एक्सेस हुआ, ये हमारे सर्वाइकल की सबसे ऊपर वाली होती. और ये किससे अटैच होंगे बताओ, किससे? स्कल से. किसके थ्रू होंगे? कॉन्डाइल से. क्या ये बात क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है. और ये एटलस एक्सिस की वजह से हम इस गर्दन को क्या करते हैं, मूव कर सकते हैं. देखो एटलस और रिब्स एक्सिस के बीच में एक ऐसा जॉइंट है जो उसको फ्रीली मूव होने दे रहा है. तो देखो अपनी गर्दन को मूव करो तो क्या अपनी आप स्कल को इजीली मूव कर सकते हो. किसकी वजह से? इस वाले वर्टिबल वर्टिबल या वर्टिब्रा की वजह से. ठीक है. ओके, अब बात करें वर्टिबल कॉलम की. यस मैम. किसका सेकेंड पार्ट है ये बताओ, सेकेंड पार्ट किसका है ये? वर्टिबल कॉलम्स की टोटल कितनी होती है? 26. और इस 26 को हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर है? 5. ठीक है. मैम आपने बताया था कि ऑसिपिटल कॉन्डाइल दो होते हैं, पर मैम पिक्चर में तो एक ही शो हो रहा था. मतलब साइड व्यू दिख रहा है ना, मतलब ऐसे दिखूंगी तो एक ही साइड दिखेगा या आपको दोनों साइड दिख जाएंगे? मैम एक ही साइड है ना. तो जब हम बैक साइड से पूरा दिखेंगे तो हमको दोनों साइड्स दिखेंगे. क्वेश्चंस भी हम करेंगे. टाइम हो गया क्या? कॉलम कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टर्नम से कल पढ़ लेंगे. चलेगा? यस कर लेंगे. 5 मिनट दो, हम ये वाला खत्म कर लेते हैं टॉपिक. तो थोड़ा एक्सियल स्केलेटन का आधा पार्ट तो कवर हो जाएगा. ठीक है. तो अब देखो वर्टिब्रल कॉलम में टोटल कितनी बोन्स है यहाँ पर? 26. और यहाँ की बोन्स को हम क्या बोलेंगे? वर्टिब्रा. ठीक है. Yes, ma'am. तो यहाँ पर क्या होती है? 5 टाइप. कौन कौन सी? सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और कोकाइजल. क्लियर हुआ? ये नाम याद हुए? Yes, ma'am. ट्रिक्स बता दूंगी, डोंट वरी. मैं कुछ फाइंड आउट करती हूँ, कुछ ट्रिक्स बनाती हूँ, फिर मैं आपको बता दूंगी. अब इसमें हमको याद क्या रखना है? यहाँ पर हमको नंबर याद रखना है हर बोन का. सर्वाइकल कितने हैं? 7. थोरेसिक कितने हुए? 12. लंबर हो गए 8. ठीक है. ये होते हैं फ्यूज. टोटल जब ये इनिशियली बनते हैं तो ये 5 बोन्स होते हैं. और ये 5 कितने? छोटे 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 बोन्स हो गए. इन सबको हमने जोड़ दिया और एक बन गया, इसीलिए इसको क्या बोला? फ्यूज्ड. ठीक है. Yes, ma'am. बताओ ये जो कॉकाइल कॉकेक्स है, क्या आपने मंकीज और इनमें टेल्स देखी है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अगर ये कॉकेक्स बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगी तो इसको क्या बना देगी? ये टेल बना देगी. ठीक है. इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? टेल बोन भी. क्योंकि ह्यूमन बींग्स में ये वाली क्या हो गई? बोन एकदम कॉम्पैक्ट हो गई, मतलब 5 को मिलके एक हो गई, पूरा फ्यूज होकर एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना लिया. इसलिए क्या हो गया? ह्यूमन बींग्स में टेल्स होती है क्या? टेल होती है? नो मैम. इट इज ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ दिस कोकाइजल या कॉकिक्स, है ना? Yes, ma'am. बहुत याद, अच्छे से याद रखना C7, T12, L5, S1 and C1. ठीक है. ठीक है. अब ये जो वर्टिब्रल कॉलम होता है एकदम इरेक्ट नहीं होता है, थोड़ा सा ऐसा शेप का होता है ना. दिख रहा है आपको इस फिगर में ऐसा शेप? येलो येलो सेंट्रल वाला. ठीक है. तो देखो सबसे ऊपर कौन सी होती है? सर्वाइकल वर्टिब्रा. कितने नंबर होते हैं इसके? 7. चेस्ट में जो प्रेजेंट है उसको हमने क्या बोला, मतलब चेस्ट के पीछे वाले पोर्शन में उसको क्या बोला हमने? कितना नंबर होगा इसका? 12. लंबर किसका नंबर बताओ? 5. सैक्रम का नंबर बताओ? 1. आई होप नंबर तो याद हो गए होंगे. यस मैम. सबको? यस मैम. यस मैम. हमारी जो दो वर्टिब्रा है, अगर जैसे कि ये दो बोन्स है, उसके बीच में डिस्क प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क. मतलब क्या हुई कि देखो, ये देखो एक फोन, ये दूसरा फोन, ये दोनों क्या है? एक एक वर्टिब्रा. क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब इसके बीच में सपोज मैं पेन को रख दू, इट इज नॉट इजी, मतलब एक फ्लैट स्ट्रक्चर ही होगा. तो ये जो आपको पेन दिख रहा है दैट इज इंटरवर्टिब्रल डिस्क. ठीक है. यस मैम.
ठीक है समझ में है व्हाट इज इंटर वर्टिब्रल डिस्क, मतलब दोनों हमारी वर्टिब्रा के बीच में जो एक पार्ट है, एक जो बीच में बीच हो रहा है ये भी फ्लैट होगा, यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर में थोड़ा ऐसा आपको पॉइंटेड दिख रहा होगा पेन की वजह से, बट ये जो बीच में प्रेजेंट है दैट इज इंटर वर्टिब्रल डिस्क। ठीक है मैम, जो अटैच करेगा दोनों अटैच नहीं होगा, मतलब ये जो दोनों वर्टिब्रा के बीच में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हमने बोला इंटर वर्टिब्रल डिस्क। ठीक है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए होता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस होने के लिए, और हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है वो थोड़ा बहुत मूवमेंट देने की कोशिश करता है, मतलब स्कल बोन्स तो पूरी भी जो हमारी सर में है क्या वो मूव करती है? नहीं, नो मैम, थोड़ा बहुत मूव करता है। अगर बोन्स एकदम इरेक्ट है, एकदम कनेक्ट होगी तो क्या वो मूव कर पाएगी उसको? नो मैम, किसी के बीच में मूवमेंट करने की, तो ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क की वजह से क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर थोड़ा मूवमेंट कर देगी, एकदम थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मूवमेंट। ठीक है, जैसे बैंड होने वाला, बैंड होती है तो वो थोड़ी सी ऐसी हो जाएगी, बहुत ज्यादा पूरी बैंड नहीं होती है। ठीक है, तो इट अलाउ सम मूवमेंट, है ना, बहुत पार्शियल छोटा सा मूवमेंट। ठीक है, यस मैम, वर्टिकल वाला पार्ट लिए पूरा कंप्लीट कर लिए, फिर क्वेश्चंस करें। यस मैम, ठीक है। अब एक पार्ट देखो, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किसके हमारे पार्ट है? नर्वस सिस्टम के, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। ठीक है, यस मैम। तो देखो ऐसा कुछ हमारा वर्टिब्रा हुआ, एक एक सिंगल ऐसी बोन हुई, इसके बीच में क्या होती है, जगह होती है, एक होलो स्पेस होती है, किसके लिए स्पेस हो गई? स्पाइनल कॉर्ड के लिए, है ना। तो जो हमारे न्यूरॉन्स है वो भी तो पूरी बॉडी में एक नेटवर्क बनाएंगे, तो उनके लिए भी तो जगह चाहिए। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड देखो, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, जैसे ब्रेन एक ऑर्गन हुआ, ब्रेन तो पहचानते हो ना, वैसे ही ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, मेन ऑर्गन जो हमारे नर्वस सिस्टम के मेन पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, उसका मेन पार्ट होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारे सर में प्रेजेंट है उसको बोल दिया हमने ब्रेन, और जो हमारी बैकबोन में पीछे से रन करके बहुत सारी ऐसी नर्व्स निकालेगा, हाथों को कनेक्ट करवाएगा, पैर को कनेक्ट करवाएगा, हर जगह नर्व्स जाने के लिए एक मेन स्ट्रक्चर भी तो होना चाहिए, क्या ब्रेन सबको भेज देगा? नो मैम, नो मैम, सहारे की जरूरत पड़ेगी, सिग्नल भेजे कोई, फिर उसको तीसरा सिग्नल भेजे। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये भी एक बहुत हमारा मेजर ऑर्गन है, तो ये जो होलो पार्ट है यहाँ से ये कौन पास हो रहा है, येलो कलर का स्पाइनल कॉर्ड। तो इसके लिए ये जो अंदर से वर्टिब्रल कॉलम होता है वो कैसा होता है, होलो, किसको पास होने के लिए, स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड हमारा नर्वस सिस्टम का है, बहुत डेलिकेट सा ऑर्गन होगा, उसको प्रोटेक्शन के लिए भी तो जगह चाहिए। बॉडी में कहीं भी प्रेजेंट होगा तो अगर डैमेज हो गया तो हमारा नर्वस सिस्टम खराब हो गया, और ब्रेन जो सिग्नल दे रहा है वो पूरी बॉडी को इजीली नहीं मिल रहे, तो ये जो वर्टिब्रल कॉलम है इसके अंदर से जाएगा एक बोनी स्ट्रक्चर, इसको प्रोटेक्ट कर लेगा। क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, आप क्वेश्चंस करें। यस मैम, है ना, कहीं आपको डाउट लगे तो प्लीज मुझे बताना। ठीक है, ओके मैम, ओके, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बन गए, ओके, चलो बताओ कैल्शियम आयन क्यों इम्पोर्टेंट है? हार्ड डिस्क बनाने के लिए। ए बी सी डी आंसर बताओ। फर्स्ट आपका ऑप्शन है कि ये ट्रोपोनिन से बाइंड करता है और एक्टिव साइट को मायोसिन के लिए खाली कर देता है। दूसरा ये बोल रहा है कि मायोसिन ए ही है, पक्का आगे बढ़ू ही नहीं है ना? तो ये जो आपका एक्टिन होता है, यहाँ पर ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन प्रेजेंट होते हैं, जो एक्टिव साइट को क्या कर लेते हैं, एकदम छुपा लेते, कवर कर लेते। तो जब कैल्शियम आएगा यहाँ पर और इसको बोलेगा कि चलो रिमूव हो जाए, तो अब ये जो हमारा एक्टिन है, ये जो एक्टिव साइट है खाली हो गया, और यहाँ पर कौन अटैच होगा बताओ? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए। ठीक है, बताओ आप नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप अब तो बहुत इजी हो जाएगा आंसर। हमको एक्टिव साइट कवर करने से हसार, कहाँ से रिलीज होते हैं ये कैल्शियम आयंस? एसआर से, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कौन बोलता है, सिग्नल कौन देता है? न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, चलो इसका भी आपको आंसर बहुत अच्छे से आता है, कैल्शियम आयंस। नेक्स्ट, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी इन सारे ऑप्शन में से कहाँ बेस्ट फिट करेगी?
क्या एक्टिन और मायोसिन शॉर्ट होते हैं, उनकी लेंथ कम होती है या एज इट इज ही रहते हैं वो? तो मैम होती है रिड्यूस थोड़ी सी। लेंथ किसकी रिड्यूस होती है? सी आंसर है, बैंड्स की। लेंथ किसकी रिड्यूस होती है? बैंड्स की होती है। कौन से बैंड की लेंथ रिड्यूस होगी? एक्टिन की मैम। मैम सी की बैंड बैंड पर है ना, आई बैंड और ए बैंड पड़े हैं ना मैम। ए बैंड की होती है, ए बैंड की लेंथ तो एज इट इज रहती है, उसकी रिटेन रखता है उसकी लेंथ। आई आई बैंड की, आई की सेंड होती है। अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स डू नॉट शॉर्टन, क्या उनकी लेंथ कम होती है एक्टिन या मायोसिन? मतलब ये जो एक्टिन है वो आधा हो जाएगा क्या? एक्टिन की कम होगी मैम। देखो बैंड्स की लेंथ कम होती है और ये जो फिलामेंट्स है वो एज इट इज ही रहेंगे। ये क्या होता है यहाँ पर? सिर्फ स्लाइडिंग होता है ना? यस मैम। सिर्फ स्लाइडिंग होता है ना। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का मतलब क्या हुआ है? एक्टिन जो है वो किसके, जो मायोसिन है एक्टिन को क्या करवा रहा है? स्लाइड करवा रहा है। तो इसका क्या होगा? दोनों शॉर्ट नहीं होते, रेदर क्या करते हैं ये दोनों? स्लाइड करते हैं एक दूसरे के ऊपर। यस मैम। करेक्ट होगा ए होगा। ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टिमुलेशन ऑफ अ मसल फाइबर। मैम जो ये क्वेश्चन जो पहले था उसमें कैंसल क्यों लिखा था? कौन सा कैंसल लिखा था मतलब? मैम जो 2015 पे उसके कैंसल लिखा है। अच्छा, कुछ AIPMTs जो पहले होती थी ना, तो 2015 में दो बार हुई थी, कुछ आई डोंट नो कुछ इशू हो गया था, तो जो पहली बार पेपर हुआ था वो कैंसिल हो गया था और उसके बाद फिर से पेपर आया था, पर क्वेश्चन तो उस पेपर में भी पीएमटी लेवल का ही आया था ना, तो क्वेश्चन तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ही है। यस मैम। ओके चलो बताओ, मसल फाइबर को मोटर न्यूरॉन कहाँ स्टिमुलेट करेगा? मैम ए ऑप्शन है। ये ऑप्शन है, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, मतलब ये आपका न्यूरॉन है और ये आपकी मसल है, इनके बीच का जो जंक्शन है यहीं पे तो सबसे पहले सिग्नल आया था। अच्छा, एज जोन किसके लिए वजह से होता है सार्कोमियर में? मैम एम के लिए होता है वो, तो एम पे नहीं होता है, मायोसिन के लिए होता है, कांटेक्ट के बाद मैं वो शॉर्ट में बोलते हैं मायोसिन। ओके तो देखो ऐसा कुछ हमारा सार्कोमियर होता है। यस मैम। है ना मैम। अब आंसर आज इतना कम क्यों कर रहे हो? पढ़ने में तो सब बोल रहे थे मैम समझ आ गया समझ में, मुझे दो चार लोगों की आवाज आ रही है, ऐसा क्यों समझ नहीं आ रहा है? मैंने पहले दो क्लास भी ली थी, आज वीडियो देखूंगी। अच्छा, वीडियो मैंने आपकी क्लासेस में मतलब सॉरी ग्रुप्स में भेज दिया है, तो प्लीज मेक श्योर आप वो वीडियोस देख लो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये जो सिर्फ इस जोन में, जिस जोन में सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट है उसको हमने क्या बोला था? एच जोन। यस मैम। बी ऑप्शन। बी ऑप्शन होगा मैम इसका। ओके, हार्ट में कौन सी मसल्स होती है? सॉरी द मसल्स प्रेजेंट इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन देखो वन बाय वन पढ़ के बताना। हार्ट कैसा है? इनवॉल्यूंट्री। फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग हार्ट इनवॉल्यूंट्री है और यहाँ पर स्मूथ मसल होती है, क्या ये करेक्ट है? नो मैम। क्यों? ये कैसा होता है? इनवॉल्यूंट्री एंड स्ट्रिएटेड मसल्स। नेक्स्ट इंटेस्टाइन की बात करिए, बताओ इंटेस्टाइन के बारे में। इंटेस्टाइन बताओ तो मैम वो होता है ना, कहते हैं स्मूथ मसल में आ जाएगा ना। okay. और स्मूथ मसल्स में आ जाएगा फिर आगे स्ट्रेटेड नहीं होती, वो भी होती है और वो अनस्ट्रिएटेड होती है, नॉन स्ट्रिएटेड होती है पर इनवॉल्यूंट्री होती है। इस क्वेश्चन yes, हमारा सेकंड ऑप्शन में ये स्ट्रेट बोला है तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। यस मैम। अब आ जाओ थाई में, थाई मसल्स कैसे होंगी? स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स होंगी। स्ट्रिएटेड मसल्स और वो क्या होती है? वॉल्यूंट्री, दैट मींस हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और देखो अपर आर्म्स में यहाँ पर लिखा है स्मूथ, तो ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर स्केलेटल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीपेज एक्टिविटी किसके पास प्रेजेंट रहेगी? सी मायोसिन। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो मैम। क्या डायरेक्ट आंसर था ना? यस मैम। यस मैम। बढ़ जाए, व्हाट इज सार्कोमियर? डी डी मैम डी होगा। पक्का?
जोन बिटवीन मतलब पार्ट बिटवीन जेड लाइन टू जेड लाइन. जेड लाइन क्या होता है? व्हाट इज जेड लाइन? पार्ट जिगजैग में होता है ना मैम. जो थिन फिलामेंट है उसे हम कह रहे हैं, उनको बीच से डिवाइड करता है सेंटर में जो लाइन जाएगी. सार्कोमेयर ऐसे कुछ होते हैं मतलब यहाँ पे वापस थिक आ जाएगा. तो दो आई बैंड्स को सेपरेट करने वाला होता है जेड लाइन. तो सार्कोमेयर क्या होता है? एक जेड से दूसरे जेड का पार्ट है ना. ठीक है, अभी मेरा थोड़ा स्ट्रक्चर रफ ही बन रहा है, बस थोड़े समझ रहा हूँ. ओके, अब बताओ कौन कौन से सही होंगे. पूरा ध्यान से पढ़ना है ना, जल्दी जल्दी मत करना, आराम से सोचना. मैं बताती हूँ, मैं छोटा छोटा करके बता रही हूँ, मुझे हाँ ना बोलते जाना. इसमें बोला है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तब क्या क्या होता है? क्या एच जोन छुप जाता है मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो? क्या ए बैंड चौड़ा हो सकता है, वाइड हो जाता है? नो मैम. इसकी लेंथ क्या होती है? सेम ही रहती है ना. आई बैंड छोटा होता है क्या मैम? आई बैंड क्लोजर आ जाता है, डिसअपीयर हो जाता है. आई बैंड छोटा हो जाता है, वाइड नहीं होता. विड्थ लिखा, रिड्यूसेस इन विड्थ, मतलब इसकी जो चौड़ाई है वो कम हो जाएगी ना. यस मैम, करेक्ट होगा ना. क्या मायोसिन एटीपी को ब्रेक करता है, एटीपेज से और एटीपी एडीपी और फॉस्फेट बनाता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के ड्यूरिंग? यस मैम. अब बताओ जेड लाइन, जेड लाइन एक दूसरे की तरफ फोल्ड होती है क्या? यस मैम. मतलब हमारा कौन कौन सा करेक्ट है? ए सी मैम. ए सी डी ई. ए सी डी ई ऑप्शन होगा इसका ना. सी ऑप्शन मैम. डी वाला एक बार समझा दो. किसका समझा दो मैम? डी वाला. डी वाला समझा दू. देखो हमारे मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसके लिए चाहिए एटीपी, और एटीपी को जब तोड़ेंगे तभी तो हमको क्या मिलेगा? एनर्जी. मतलब हमको एनर्जी यूटिलाइज करनी है तो एटीपी का ब्रोक डाउन करना पड़ेगा. yes, ना जो हमारा मायोसिन होता है उसका हेड और टेल होता है, तो यहाँ पर एक साइट होती है किसके लिए? एटीपेस एंजाइम के लिए. ये एटीपेस एंजाइम क्या करते हैं, जैसे ही एटीपी आया इसको क्या कर देगा, तोड़ देगा इनटू एडीपी एंड आईपी. अभी क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़े मैम. हाँ मैम, जब दूसरा एटीपी आता है तो ये हट जाता है वहां से. देखो जब एटीपी तोड़ेगा मतलब मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उसको एटीपी लगेगा. तो अभी तो मायोसिन के पास कौन था? एटीपेस आया, तो ये एटीपी दौड़ता सेल में ये बना. आया किसके पास? मायोसिन के पास. जैसे ही मायोसिन के पास आया इसने तोड़ के कहाँ गया? ये अटैच होने एक्टिन के पास. अब जब एटीपी खत्म हो गया तो ये वापस आपका जो मायोसिन है उसकी जगह पे आ जाएगा और एक्टिन के साइड कवर हो जाएंगे और मसल क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा. मैम जब दूसरा एटीपी आता है तब ये ही होता है ना. मतलब एटीपी एटीपी आते जाएंगे तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होते जाएगा. और कैल्शियम का सप्लाई भी जरूरी है, मेक श्योर ये याद रखिए कि कैल्शियम भी जरूरी है. ठीक है. Yes, इसका आंसर तो नहीं दे पाओगे, आई एम प्रेटी श्योर. एक क्वेश्चन तो मैंने सोचा ऐसा तो लाओ कि कुछ ना बता पाओ, अदरवाइज तो आप सब बता दोगे. मैम फटीग और मैम क्वेश्चन एक बार समझाना. लैक ऑफ रिलेक्शन बिटवीन सक्सेसिव, मतलब जैसे ये मसल है कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, तो यहाँ पे दोनों स्टेजेस आ रही है. तो ये बोल रहे हैं कि आपको सिग्नल मिल रहा है, इसके बीच में रिलैक्सेशन होने आ रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट 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 होते जा रहा है. तो इस पार्टीशन को क्या बोलेंगे? मैम बी होगा. बी मैम. बी मैम आपने बताया. मैम बी. देखो मैंने फैटिक क्या बताया था, जब ऑक्सीजन की कमी कम ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन की कमी से लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होगा, तो लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन की वजह से पेन होता है, उसको बोलते हैं फैटिक. तो क्या यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा है क्या कि ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो गया ऐसा? मैम फिर ए होगा. मैम बाकी तीनों तो पढ़े ही नहीं. अब मैं बता दूं, ये वाला नहीं पढ़ा मैं. ए बी सी डी अब मैं बता दूं कौन सा होगा सही. इसमें आप बता दो. इसका आंसर है टिटनेस, क्योंकि मुझे पता था आप ये नहीं सोच पाओगे. टिटनेस एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर कंटिन्यूड कॉन्ट्रैक्शन होता है. कंटिन्यूड कॉन्ट्रैक्शन मतलब नो रिलैक्स, सॉरी
मसल को रिलैक्स होने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है. तो जब कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, टिटनेस. इस क्वेश्चन में इसने क्या पूछा है, लैक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन सक्सेसिव स्टिमुलाई. स्टिमुलाई मतलब सिग्नल, कि एक बार सिग्नल मिला तो मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट. जब रिलैक्सेशन वाला पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, टिटनेस. ठीक है मैम, वैक्सीन वाला मैम, जिसकी वैक्सीन लगती है टिटनेस. शायद आप वो कुछ और समझ रहे हो, हम वो वाला टिटनेस समझ रहे हैं. हाँ आप लोग दूसरा समझ रहे हो, इंजेक्शन वाला मत समझो. वो तो शायद कुछ लोहा वगैरह ऐसे लग जाता है तो टिटनेस का इंजेक्शन लगाते हैं, दैट इज डिफरेंट. बट ये क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में अगर नर्वस सिस्टम कभी डिस्टर्ब हो गया तो वो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, सिग्नल भेजे जा रहा है, सिग्नल भेजे जा रहा है. तो सिग्नल जा रहा है ना, तो क्या हुआ कि वहां पर मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट तो करी पर उसने रिलैक्स नहीं करा, कॉन्ट्रैक्टिंग वाली स्टेज में ही रह गई, तो उसको क्या बोल जाएंगे, टिटनेस. बैक पेन और पेन वाला जो कंडीशन है ना उसको हम क्या बोलेंगे, फैटिक. मतलब ये जो पेन होता है वो फैटिक किसकी वजह से होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई और एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ, और एनारोबिक रेस्पिरेशन हो तो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हुआ, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हुआ तो लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशन हुआ, और लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशन लीड्स टू पेन इन द मसल. ठीक है मैम, ये कौन से चैप्टर इसी चैप्टर से, वो आपको चैप्टर में ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं गया, बट इट इज मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज है, तो आई थॉट कि आपको ये आना चाहिए, इसीलिए आई दिस क्वेश्चन कि आपका जो पार्ट कुछ बचा हुआ है तो वो भी हम कवर करते. तो जो स्पास्म होते हैं ना वो कहाँ होंगे, हमारे इनवॉल्यूंट्री मसल्स में पेनफुल कॉन्ट्रेक्शन होते हैं उनको बोलते हैं स्पास्म्स. कहाँ होंगे, हमारे इनवॉल्यूंट्री में. फैटिक का आपको पता है, और टोनस क्या होता है कि जैसे सिग्नल, जैसे मैं आपका हाथ लू और हाथ को ऐसा उठाऊ तो उसके लिए मसल को थोड़ा सा मतलब क्या है, सिग्नल मिला हुआ है, पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन वाला स्टेट है, उसको बोलते हैं टोनस. ठीक है, ओके मैम. बता, इनवॉल्यूंटरी पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन आर नोन एज स्पास्म. ओके, जैसे हार्ट में होता है, हार्ट में नहीं, जो हमारे इनवॉल्यूटरी जैसे पेट में कभी दर्द होता है, स्पास्म होती है मसल वहां की, है ना, क्योंकि ये जो पेट की और ये सब मसल्स क्या होती है हमारी, इनवॉल्यूटरी. अगर इनवॉल्यूटरी मसल्स में पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो उसको बोलेंगे स्पास्म. ठीक है, टोनस. यस मैम. टोनस क्या होती है, मसल की एक प्रॉपर्टी होती है कि सपोज वो क्या होता है, पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन वाला स्टेज होता है. जैसे मैंने अभी आपका हाथ लिया और एकदम क्या, वो अपने आप क्या हो जाएगा, इरेक्ट हो जाएगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी. मतलब मसल पहले से जागी हुई थी कि उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, ब्रेन ने आपको सिग्नल भेज दिया. जैसे ही मैंने अपना हाथ आपके हाथ के आगे बढ़ाया तो आपके ब्रेन ने थोड़ा सिग्नल भेज दिया कि वो आपके हाथ को उठाने वाला है. तो वो जो टोनस है वो पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन वाला स्टेज है कि वो फट से आपका हाथ उठ जाएगा. क्या आपको ज्यादा सोचने समझने की वो लगेगी एबिलिटी, या एकदम इंस्टेंटली वो सब हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं टोनस. ठीक है मैम, टेटनस हो क्यों रहा है. या देखो, कभी कुछ सिस्टम कहीं खराबी हो गई, कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट ही करते रह गई, मतलब उसको रिलैक्स करने का टाइम नहीं मिला, तो उस कंडीशन को हमने बोला है टिटनेस. ठीक है, ओके. इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, उसके बच्चे के लिए तो आपको फिर डॉक्टर से बात करना पड़ेगा. अभी तो मैं न्यूरोसर्जन हूँ नहीं तो मैं आपको बता सकती हूँ, ओके मैम, पर मैं कल वाली क्लास में होगा तो इसका अगर कुछ सोल्यूशन होता है तो मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, आज वाले जो पढ़ के आए हो सारे बोन्स याद करके आओगे ना, बोन्स क्या होता है, कार्टिलेज क्या होता है, एक्सियल कौन सा होता है, अपेंडिकुलर कौन सा होता है, एक्सियल में हेड में कौन कौन सी होगी, वर्टिबल कॉलम्स के नाम, ये सब मैं कल अब से एक्सपेक्ट कर लूँ, क्वेश्चंस पूछ लूँ फिर. यस मैम, यस मैम. कॉलम तक स्टार्नम से हम कल स्टार्ट करेंगे. ठीक है, ओके मैम, यस मैम, ओके, दैट्स इट फॉर अ डे. मुझे आपको